अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज फिर एक रेसिपी के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो स्वीट बना रही हूँ, मतलब बनाया था मैंने और बहुत ही अच्छी बनी थी। लेकिन एक दो एडवाइस भी मैं इसमें आपको ज़रूर दूंगी। तो मैंने कोकोनट मिल्क पाउडर और कुछ नट्स लिए थे जो मैं एक एक करके आपको वन बाय वन दिखाती जाऊँगी। तो सबसे पहले हम है ना दूध में मिल्क पाउडर ऐड करके उसमें कुछ केसर की पत्तियाँ ऐड करके इसे हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे जब तक वो हाफ़ ना हो जाए, मतलब रस मलाई जैसा है। तो इसे हम अच्छे से मिक्स करना है और अब मैं गैस की फ्लेम ऑन करके इसे अच्छे से पकाऊंगी। तकरीबन 10 मिनट लगती है, 10 से 12 मिनट, और मैंने मीडियम आंच पर ही इसे पकाया है और अच्छे से इसे हिला हिला के मैं इसे पकाऊँगी और बिल्कुल भी लम्स नहीं रहते हैं। तो मैंने गैस की फ्लेम ऑन कर दी है और अब मैं इसे थोड़ी थोड़ी देर में हिला हिला कर इसे अच्छे से 10-12 मिनट पका लूँगी। तो केसर की वजह से अच्छा सा रंग इसमें आ जाता है और इसमें मैं टेस्ट के अनुसार 3 चम्मच मैंने इसमें शुगर ऐड कर दी है और बस इतना ही, और इसको हम अच्छे से पका लेंगे। ये होने के बाद मैं नेक्स्ट करने जा रही हूँ। यहाँ पे एक मेरी गलती हो गई थी कि मैंने नट्स को पीस लिया, उसके बाद शुगर में याद आया कि शुगर मुझे याद डालना है। एक्चुअली शुगर नहीं भी डालोगे तो चलेगा, क्योंकि हमने जो दूध में शुगर ऐड की थी ना वो काफ़ी था, तो ये कुछ एक्स्ट्रा मीठा हो गया था। तो नहीं भी डालोगे तो चलेगा। तो नट्स मैंने सबको एक साथ मिक्स कर लिया है, थोड़ा सा दूध डाला था मैंने, और मिक्स करने के बाद बैटर मेरा रेडी है। और जो हमने दूध बनाया था ना केसर वाला मिल्क पाउडर डाल के, उसमें हमें ब्रेड को डिप करना है। ब्रेड की स्लाइस मैंने साइड पर से निकाल दी है, कुछ इशू नहीं रहता है, लेकिन वो सॉफ्ट हो जाने के बाद है ना उसको अच्छे से सेट करना पड़ता है, और इसलिए मैंने उसे निकाल दिया था। और अच्छे से हमें इसे जितना भी दूध है उसे हाथों की मदद से उसे निकाल देना है, बस इसे सॉफ्ट करना है और इसमें जो टेस्ट आना चाहिए ना उसके लिए हम इसे डिप करते हैं। तो जो हमने बैटर तैयार किया था ना नट्स वाला मिल्क पाउडर और हमारी कोकोनट पाउडर वाला, तो ये मिक्स बैटर इसमें हम इसे रख देंगे और इसे अच्छे से फोल्ड कर देंगे। तो ऐसे ही मैंने सारे रेडी किए थे। देखिए मैं आपको बता ही रही हूँ कि कैसे मैंने इसमें ऐड किया है। बीच में रखना है और इसे दोनों तरफ से इसे बंद करके इसे हाथों की मदद से इसे रोल बनाना है। चाहे आप कैसे भी शेप दे सकते हो, मैंने ऐसा शेप दिया है। आप चाहो तो बॉल शेप जो आता है ना, सर्कल शेप, वो भी दे सकते हो, जैसा भी आपको सही लगे। तो बस इसे हमें थोड़ा सा दबा दबा के इसे अच्छे से एक शेप दे देना है, क्योंकि ब्रेड जब सॉफ्ट हो जाते हैं ना तो वो आसानी से मतलब शेप दे देते हैं। तो जो हमने दूध बनाया था ना मिल्क पाउडर वाला, वो इस पर डाल देना है। उससे क्या होता है, पूरा एकदम सॉफ्ट हो जाता है, जैसे रस मलाई होती है ना वैसे ही। तो टेस्ट तो बहुत ही बढ़िया था, एक्स्ट्रा मीठा भी था। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि वो जब आप नट्स करोगे ना तो उसमें शुगर डालने की उसमें ज़रूरत नहीं होती है, तो आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो सारा दूध मैं ऐसे ही ऊपर डाल दूँगी और इसके ऊपर थोड़े से मैं बादाम भी जो मैंने रखी हुई है वो इस पर सजाने के लिए मैं डाल दूँगी, बस इतना सा ही। बहुत ही जल्दी बन जाती है, बहुत कम टाइम में, लेकिन बहुत ही बढ़िया लगती है, जैसे कि रस मलाई होती ना वैसी ही। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और दुआ में याद, अल्लाह।